दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपका यूनिवर्सल एक टेबल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बीएमसी सीएनसी मशीन में कूलेंट होता है, ये अगर तो मशीन को एक दो दिन बंद कर देते हैं तो कूलेंट हमारा ख़राब हो जाता है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारा लॉस होता है हमारा। कूलेंट भी ख़राब हो जाता है और जो इसके अंदर डिस्टिल वाटर डलता है, डी वाटर डलता है, वो भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बचा सकते हैं। बहुत छोटा सिंपल सा इसका प्रोसेस है, आसानी से इसको हम बचा सकते हैं अपने कूलेंट को, चाहे मशीन हमारी दो तीन दिन के लिए चार दिन बंद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मशीन ऑन करके कूलेंट तो चला के छोड़ा नहीं जा सकता है नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मशीन को ऑफ करने के बाद में कैसे इसको कूलेंट को हम सही रख सकते हैं और दो चार दिन के लिए। मैंने तो ये ट्रिक आजमाई हुई है, ठीक है न, कोई ज़्यादा खर्चे का काम भी नहीं है। उसके लिए आपको बस एक जो ये कूलर में हम पंप डालते हैं, समरसेबल पंप, कूलर के अंदर एक ये पंप चाहिए, ठीक है नहीं, और इस तरीके से पाइप चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसको लगाते हैं। जहाँ से हम मशीन के अंदर पानी वगैरह डालते हैं, यहाँ पर इसको हम डाल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने इसको डाल दिया और उसके बाद इसकी ये जाली होती है, इसको जाली को भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। जाली को भी देखो लग गया और अब ये प्लग है, ये प्लग लाइट में लगाना हमें। ठीक है दोस्तों, हमने जो तार था इलेक्ट्रिक में प्लग कर दिया उसको, और ये पाइप हमारा जा रहा ब्लू वाला, इसको हम मशीन के अपोजिट साइड में यहाँ ले आए हम इसको पाइप को, आप ये देख सकते हो, और हम चटकन ऑन कर देंगे। चटकन ऑन कर दिए हमने और ये पानी हमारा देखो चालू हो गया। देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हमें मशीन में बंद रहेगी हमारी, ये पानी चलता रहेगा, ठीक है नहीं, मशीन को ऑफ कर देंगे। तो मशीन को अपनी ऑफ कर देंगे, मशीन हमने ऑफ कर दी है, अब ये पानी हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखिए कहीं भी छोड़ दीजिए इसको, ये चलता रहेगा पानी अपना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।